इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले विपक्ष का इंडिया गठबंधन हर राज्य में अपने सभी दलों की मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की अटकलें सामने आ रही हैं। मामले में मायावती ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासत में बड़े बदलाव का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो क्या कहा है मायावती ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गए हैं, वैसे ही सीट शेयरिंग की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब बसपा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच मायावती ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा बयान जारी किया है। मायावती ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगी। अलायंस या तीसरा मोर्चा बनाने की सभी खबरों को उन्होंने फेक बताते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि मायावती शुरुआत से ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती आ रही हैं, लेकिन मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पत्ते सबसे आखिर में चलती हैं। वो कब क्या करेंगी इसका पता दूसरे दलों को नहीं लग पाता, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आने वाले समय में वो अपना अंतिम पत्ता खोलेंगी और इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगी। उनके इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई है कि इस चुनाव में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं भी जाएंगी तो भी वो किसी भी तीसरे मोर्चे की तैयारी में नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि मायावती को इस बात का भी डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो उनके बचे हुए कुछ सांसद भी उनका साथ न छोड़ दें। बताया ये भी जा रहा है कि मायावती कांग्रेस के संपर्क में बनी हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।